जबलपुर के चर्चित एक बड़े चोरी कांड का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से 1 किलो 70 ग्राम सोना, 1.25 किलो चांदी सहित एक देसी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद की। पुलिस ने इस मामले से जुड़े 2 नामचीन व्यापारियों को भी गिरफ्तार किया है। पूरा मामला थाना मंडावरा क्षेत्र का है, जहां 2 अगस्त की रात में चोरों ने एक घर से लगभग 2 किलो सोना और 2 किलो चांदी के जेवरात को चुरा कर फरार हो गए थे। शिकायतकर्ता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन 2 माह तक पुलिस के हाथ खाली ही रहे। मामला बड़ा होने के चलते एसटीएफ लखनऊ के पास पहुंचा, तो एसटीएफ भी चोरों की तलाश में सबूत जुटाने लगी। कई दिनों तक ललितपुर में डेरा डालकर छानबीन लगी रही, लेकिन मामला सिफर ही रहा। 3 महीने बाद आज ललितपुर पुलिस ने अपनी सर्विलांस टीम और स्वाट टीम की मदद से चोरी के 6 आरोपियों को 1 किलो 70 ग्राम सोना, 1.25 किलो चांदी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने जिले के 2 नामचीन व्यापारियों अनूप जैन, नजा ज्वेलर्स और यश स्टोन सप्लायर्स उत्तम चंद्र जैन के भी नाम चोरी का माल खरीदने और सोने की ईंट के टुकड़े कर उसे गलाने में शामिल सहयोगी बताया। इसके आधार पर पुलिस ने दोनों व्यापारियों को भी धर दबोच कर वो चोरी का माल बरामद किया। चोरी कांड में अभी 3 आरोपी और भी हैं जो चोरी का आधा माल लेकर फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। एक महत्वपूर्ण चोरी जो मड़ौरा कस्बे में हुई थी 1/2 अगस्त की रात में, जो एक जैन परिवार में हुई थी, और उसमें जेवरात और कुछ पैसे वगैरह की चोरी हुई थी काफ़ी बड़ी, जिसमें मुकदमा दर्ज करने के बाद लगातार हमारी टीमें काम कर रही थी। इसमें हमें सफलता मिली है और इसमें ऐसा सूचना हमें ज्ञात हुआ कि जिसमें कुछ व्यक्ति कुछ चोरी के माल से संबंधित चीज़ें लेके ललितपुर में आ रहे हैं और कहीं बेचने के लिए जा रहे हैं। ये सुरागसी हमारे पुलिस टीम को हुई, हमारे इंस्पेक्टर कोतवाली, स्वाट टीम प्रभारी और पूरी टीम को इस सूचना पे एक हम लोगों ने घेराबंदी कराई और 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। उनसे पूछताछ, उनसे जब तलाशी की गई तो उनके पास से जो पकड़े गए हैं उनका नाम पहले बताऊँ, रामदास उर्फ भज्जू कुशवाहा, ये रहने वाले रणगवा मडौरा का है ये। दूसरा है रामकिशन, मैं अलग अलग बता चलूँ, रामदास के पास से जो गिरफ्तारी की गई तो उसके पास से 2 सोने के बिस्किट जो 100-100 ग्राम के थे और 1 तमंचा जो ये है ये बरामद हुआ। रामदास, रामदास कौन है इसमें, हाथ उठाओ, ये रामदास है उर्फ भज्जू। दूसरा है रामकिशन पुत्र शिवदीन, इसके पास से 1 सोने का बिस्किट मिला 100 ग्राम का। रामकिशन, हाथ उठाओ, ये रामकिशन है। तीसरा जो पकड़ा गया उसका नाम है सोहन, इसके पास से सोने के जेवरात जिसकी वजन लगभग 250 ग्राम है, 250 ग्राम ये बरामद हुए। और चौथा जो गिरफ्तार किया गया देवेंद्र कुशवाहा बुढ़वार का है ये, इसके पास से चांदी के जेवरात बरामद हुए। इनसे जब अलग अलग पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि इन्होंने जो चोरी की थी वो भज्जू इसके द्वारा उस रात में चोरी की गई थी और इन सब के माध्यम से ये माल अलग अलग स्थानों पर बेचने का प्रयास किया था। और एक इसमें जो सबसे बड़ा जो मेन था वो था 1 किलो का ईंट का सोने का टुकड़ा, वो इन्होंने जिनको बेचा था और अन्य चीज़ों जो बेची थी वो आपके शहर ललितपुर के 2 जो ज्वेलर्स हैं उनको बेची थी, जिनके नाम है अनूप जैन नजा पुत्र स्वर्गीय आनंदी लाल जैन कटरा बाजार, ये ज्वेलर का काम करते हैं, इनको ये सोने की बेची गई जो इन्होंने काट कूट के गला दिया, वो रिकवरी में ये सारी चीज़ें आई हैं। और दूसरे उत्तम जैन ये पत्थर के व्यवसायी हैं, इन्होंने ये ईंटें खरीदी और फिर इनको टुकड़ों टुकड़ों में करके इस तरह से डिस्पोज किया। इन सब की चारों के बातचीत करने के बाद ये अनूप जैन इनको भी गिरफ्तार किया गया, उत्तम जैन को भी गिरफ्तार किया गया और ये सब बरामदगी उनके यहाँ से हुई। तो ये टोटल जो बरामदगी हुई वो लगभग 1 किलो 70 ग्राम ये सोने की हुई और इसके अलावा चांदी जो है उसका वजन है 1 किलो 25 किलोग्राम। तो ये रिकवरी इतनी हो चुकी है और इसमें इनके अलावा 3 अन्य व्यक्ति जो भी जिनको इन्वॉल्वमेंट इनका है और जिनको पुलिस ने दबिश देके पकड़ने का प्रयास किया लेकिन ये फरार हैं। राजकुमार जैन जो ललितपुर के हैं, ये भी इसमें जो चोरी का माल है वो उनके पास है, खरीदा गया है उनके द्वारा, उनके पास रखा गया है। और मनु जैन है, ये इंदौर का रहने वाला है। और तीसरा है रामदास जो आगरा का रहने वाला है, ये अनूप जैन उत्तम जैन के रिश्तेदार हैं। ये 3 नाम जो अभी गिरफ्तार नहीं हुए, शेष ये 6 लोग गिरफ्तार किए गए
माल ये सारा बरामद आपके सामने रखा हुआ है। वैल्यू कितनी है? अब वैल्यू लगभग 50 लाख के आसपास का ये माल है जो आपके सामने। चोरी सिंगल पर्सन ने चोरी की थी और चोरी के समय कौन था सर? चोरी भज्जू केवल सिंगल भज्जू